प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर, और आज हम क्लास 7 हिंदी की वर्कशीट नंबर 35 में हमारा पाठ चल रहा था अपूर्व अनुभव। और जैसे कि आपको इस पाठ का मतलब पता है, अपूर्व यानी कि फर्स्ट टाइम, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में अभी तक आप पढ़ चुके हैं तोतो चान और यासुकी चान, दो दोस्त हैं। तोतो चान यहाँ पर दिव्यांग है, जो कि चल नहीं पाती है, और दोनों ने एक प्लान बनाया है। ये पेड़ में चढ़ने वाले हैं, यानी कि बहुत बड़ा टास्क इनने लिया है जिसे कि कंप्लीट करेंगे। और इस बात की खबर ना ही तोतो चान के घर में है, ना ही यासुकी चान के घर में है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बात की खबर न तोतो चान न यासुकी चान ने अपने घर में बताया, आखिर क्यों, इसका क्या रीज़न है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो यहाँ पर जो मैं यासुकी चान को, जो तोतो चान बोल रही है कि मैं यासुकी चान को क्या करने वाली हूँ, अपने पेड़ में बुलाने वाली हूँ, चढ़ने देने वाली हूँ, यानी कि आज चढ़ाऊँगी, है ना। दिव्यांग है यासुकी चान, फिर भी तोतो चान ये काम करने वाली है। उसने बताया कि जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो यासुकी चान ऐसी ही कुछ बातें बता रही है तोतो चान, तो आपस में बातें हो रही कि भाई ऐसा हुआ, ये हुआ, जब स्कूल गए तब ऐसा हुआ। चलिए, यासुकी चान से मैदान में क्यारियों के पास मिला, और जो यासुकी चान है वहीं स्कूल ग्राउंड में ही तोतो चान को मिल गया। गर्मियों की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, सारे स्कूल बंद थे, इसलिए जो है सब सूना पड़ा था और बाहर कोई भी नहीं था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान तोतो चान से एक साल बड़ा था, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका यासुकी चान है और छोटी है तोतो चान। पर तोतो चान को वह बहुत बड़ा लगता था, तोतो चान को बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तो जैसे ही भाई तोतो चान यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, तो वो पैर को घसीटते हुए, क्योंकि पैर उसका ठीक नहीं है, तो घसीटते हुए वो उसके पास पहुंचा। उसके हाथ, अपने हाथ को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, तो उसने अपने को स्थिर करना यानी कि टिकाना चाहा, क्योंकि दिव्यांग ऐसा ऐसे नहीं चल पाता है। तो उसने क्या करा, दोनों हाथ फैला दिए। तोतो चान उत्तेजित थी, आज तोतो चान बड़ी एक्साइटेड थी। क्यों, आखिर एक टास्क जो मिला है, इस टास्क को उन्हें कंप्लीट करना है। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। दोनों पेड़ में चढ़ने वाले थे, कुछ ऐसा काम करने वाले थे जो इन्होंने आज तक पहले कभी नहीं किया। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी, यासुकी चान भी हंसने लगा। तो उल्लास में बड़े खुश होकर के ठिठिया कर यानी कि ठहाका मार करके हंसने लगी, तो इसके साथ ही यासुकी चान भी हंसने लगा। तो दोनों क्या है कि एक टास्क कंप्लीट करने वाले हैं, हंसी मजाक चल रहा है, यारी दोस्ती में वो जो है हंसने लगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनके सवाल इन आंसर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था। देखो, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रखी थी, सभी स्कूल बंद थे, इसलिए यासुकी चान को सब सूना दिखाई दे रहा था। और वैसे भी गर्मियों में क्या होता है, बाहर लोग कम होते हैं ना, तो लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं, इसलिए बाहर लोगों कम दिखाई देते हैं। दूसरा सवाल है,
तोतो चांद क्यों उत्तेजित थी, क्यों एक्साइटेड थी तोतो चांद? तोतो चांद आज बहुत उत्तेजित थी क्योंकि आज वह पहली बार यासुकी चांद के साथ मिलकर पेड़ में चढ़ने वाले थे। तो दोनों पेड़ में चढ़ने वाले थे। तोतो चांद क्यों उत्तेजित थी? क्योंकि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ में चढ़ाने वाली थी, तो एक्साइटेड तो होगा ही, दोनों के लिए एक्साइटेड है। यहाँ पर तोतो चांद ज़्यादा एक्साइटेड है। चलिए तीसरा सवाल है, यासुकी चांद अपनी चाल को स्थिर करने के लिए उसने क्या किया? तो यासुकी चांद ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए यासुकी चांद ने दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दिए। तो अपने हाथ क्या करे उसने, दोनों तरफ फैला दिए ताकि वो स्थिर हो पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? यहाँ ठिठियाकर हंसने का आशय है ठहाका मारकर या बड़ी तेजी से हंसना। तो जब हम बड़ी तेजी से हंसते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि ये ठिठियाकर हंसना है। तो इसी तरीके से हमारी हंसी कई बार ऐसी होती है, जैसे लाइक रावण को हंसते हुए देखा होगा आपने, जैसे राक्षस लोग हंसते बड़ी ऊंची और वैसी हंसी हंसते डरावनी, तो उसी को कहेंगे हम ठहाका मार के। चलिए अगला सवाल है, रेल शब्द किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा का अनुभव के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रेल जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो देखो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कुछ हिंदी में ऐसे शब्द भी आ गए हैं जो हिंदी के नहीं है, जैसे हम कहें हेडमास्टर, तो हेडमास्टर हिंदी का नहीं है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर, तो ये सारे शब्द जो है वो हिंदी के नहीं है, लेकिन इन्हें अंग्रेजी के शब्द ही हिंदी में ले लिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो अपने वर्णन कैसे करोगे, मेरी रेल यात्रा का वर्णन, सुंदर वर्णन, ऐसे हेडिंग डालना है आपने। हम अक्सर रेल से यात्रा करके ही अपने गांव आना जाना करते हैं। तो इस तरह से लिखोगे आप कि जब भी हम अपने गांव जाते हैं तो हम ट्रेन से ही आते हैं, ट्रेन से ही जाते हैं। तो ट्रेन से जब आना जाना होगा तभी आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बार की बात है, हम अपने परिवार सहित, सब परिवार नहीं, हमने अपने परिवार सहित रेल के माध्यम से अपने गांव जा रहे थे। तो इस तरह से आपने लिखना है कि भाई एक बार की बात है, हम अपने फैमिली के साथ या मम्मी के साथ या पापा के साथ या भाई के साथ अपने गांव जा रहे थे ट्रेन में। फिर क्या हुआ, क्या हुआ ट्रेन में, टिकट नहीं मिल पाया, टीटी आ गया, या कुछ आपने इधर उधर देखा सीन, कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने रेल की यात्रा की है, और रेल की यात्रा की है तो आपने उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना है कि आपको कैसे लगा रेल की यात्रा और क्या कुछ नया आपको देखने को मिला। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह से पहाड़ी यादें, सुंदर सुंदर वादियाँ, नदी, झरने, पहाड़ देखने के लिए एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियो ज़रूर देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए नई वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।